250 से निजामाबाद के अंदर माई एंडी फाइनेंस का तरफ से बांटे जा रहे हैं, मतलब 2,50,00,000 रुपए भी मुसलमानों को दिया जा रहा है। और इसके बाद में ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आएगा, उसमें भी माई एंडी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन इंसाफ साहब इम्तियाज इंसाफ साहब आगे उसमें भी प्रोग्राम अटेंड करेंगे। ऐसा 2-3 फेज यहाँ पर आने वाले हैं। और जिन लोगों को भी अभी जिनका नाम इसमें चेक में नहीं आया, वो लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। ऐसे इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर हर आदमी को पूरा किया जाएगा। इसे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से मशीनें भी दिया जा रहे हैं हमारे बहनों के लिए, जो काम जो मशीनों का काम करते हैं, जो सिलाई का मशीनों का काम करते हैं, उनके लिए भी सिलाई की मशीन भी आ चुके हैं, वो भी हमारी बहनों के लिए तकसीम अमल में आएगी। इसीलिए आज से कुछ दिन पहले इसी इंदिरा गार्डन के अंदर कल्याण शादी मुबारक के तहत इसके अंदर 300 चेक बांटे गए, जो 3 करोड़ रुपए हमारी बहनों के लिए बांटे गए। इसी तरीके से अभी तक 9 साल के अंदर हमारे एमएलए साहब ने हजारों बच्चियों की शादियों के लिए यहाँ पर 1,00,000 रुपए करोड़ों रुपए बांटे गए। और हमारे बहनों और बच्चों के लिए, मुसलमान बहनों बच्चों के लिए निजामाबाद के अंदर रेजिडेंशियल स्कूल, 7 रेजिडेंशियल स्कूल धर्मपुरी हिल्स पे लाया गया। 7 रेजिडेंशियल स्कूल किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आया, निजामाबाद के अंदर आया, उसके लिए मैं हमारे एमएलए साहब का तहदिल से शुक्रगुजार हूँ। और उसके अंदर हमारे बच्चों को और बच्चियों के अंदर बच्चियों को 1,30,000 रुपये सालाना खर्चा किया जाता है। उसी तरीके से हमारे निजामाबाद के अंदर जो भी 40 साल से हम देख रहे हैं निजामाबाद कैसा था, आज कैसा है निजामाबाद, निजामाबाद के अंदर बनगड़ा है जब से यहाँ निजामाबाद का डेवलपमेंट शुरू हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अहमदपुरा कॉलोनी रहने दो, बोधन रोड रहने दो, किला रोड रहने दो, कौन सी भी गली के अंदर एक एक कितने बराबर पानी रहता था, कोई रोड बनी भी नहीं थी। आज निजामाबाद के अंदर मैंने के एरिए में मुसलमानों के एरिए के अंदर सीसी रोड और पीजी रोड बनाए गए। उसी तरीके से यहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम किया जा रहा है। जैसा ये लोग बोलते हैं कि निजामाबाद के अंदर कांग्रेस आ जाएंगी, कांग्रेस निजामाबाद के अंदर नहीं है और यहाँ पर कोई बीजेपी नहीं है। जैसा कि लोग बोल रहे कांग्रेस से मधुगढ़ एस टी ने जो है सो मधुगढ़ एस टी या डी संजय और कोई भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस के अंदर मधुगढ़ एस के रहने दो या डी संजय रहने दो, कोई भी कांटेस्ट करने के लिए आया तो हमको किसी से डरने नहीं। ये लोग हमारे सामने हमारे एमएलए पे हारे हुए लोग हैं। जैसा ये लोग बोल रहे बीजेपी से सूर्य नारायण आ रहा, जैसा इंद्र लक्ष्मी नारायण आ रहा, बस वाले लक्ष्मी नारायण आ रहा, लेकिन हमको कोई फर्क पड़ने का नहीं। यहाँ पर निजामाबाद के अंदर माइनॉरिटी एरिया में एमएलए साहब मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरे के पूरे मुसलमान हमारे टीआरएस पार्टी की तरफ से और टीआरएस पार्टी को वोट डाल के कामयाब बनाने वाले, हाईएस्ट मेजोरिटी से हमारे एमएलए साहब जीतने वाले। ये लोग खाली ये कह रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ठीक है, बन मुसलमान क्या चाहता, अपनी सेफ की चाहता। तेलंगाना के अंदर जितने मुसलमान हैं आज सब सेफ है, लाइन आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। निजामाबाद के अंदर पहले आप देखते थे कांग्रेस के दौर में कितना रोडिज्म था, लेकिन आज 9 सालों के अंदर दौर में कोई रोडिज्म नहीं, कोई मुसलमानों का काम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निजामाबाद के अंदर मुसलमानों के अंदर चोरी मसाइल रहते थे, एमएलए साहब मुसलमानों से पूछ कर वो मसाइल बोल करते हैं। हमारे को ऐसा एमएलए अभी तक नहीं मिले, अभी मैं 89 से 34 साल से पॉलिटिक्स में फिर रहा हूँ, लेकिन इतना मुसलमानों का हमदर्द, मुसलमानों का रहबर, मुसाफिरियों का दोस्त एमएलए जी का रखने से ना लो या और कोई भी खाना शादी खाना हो, हर 15 दिन 20 दिन में एक प्रोग्राम लगाया जाता है चर्च डिस्ट्रीब्यूशन का, या शादी मुबारक स्कीम के नाम देकर और कोई और दूसरा नाम देकर आज जो नहीं तो चर्च जो तकसीम किए जा रहे हैं आपको माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से, वो उसका अमल उसका प्रोग्राम है। ये जो 250 आदमियाँ कुछ किस्मत जो लोग हैं जो तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से 1,00,000 रुपये जो दिया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको खुशन हमारे माओ और बहनों को
ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो पैसा आपको मिल रहा है इसको गनीमत मानते हुए इसको कारोबार में उसको डाइवर्ट कीजिए, जैसा कि हमारे साहबिया हजरात कारोबार करते थे, औरतें भी कारोबार करें, ना कि अपने ये पैसा आसानी से मिल गया और इसको हम एक तरीके से खर्चा करेंगे, दुकान मार्केटिंग करेंगे, वैसा मत कीजिए। अब मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप लोग इसको पैसे को सही इस्तेमाल करते हुए उसका पैसे पे पैसा कारोबार करते हुए पैसा बनाइए। इसलिए ये गवर्नमेंट गरीबों को खुशन ऐसे ऐसे स्कीमान लाती है, खुशन KCR साथ हिंदुस्तान भर में तेलंगाना एक ऐसी हुकूमत है जो गरीबों के लिए कई एक ऐसे स्कीमान लाई है, जो जैसा कि आपके सामने एक ये गरीबों का गरीबों को गरीबों की मारी मदद करने के लिए उनको ऊपर उठाने के लिए ऐसे एक स्कीम है, ऐसे भी बहुत सारे स्कीम आते हैं जिसका KCR साहब ने ऐलान किया है। यकीनन हम KCR साहब की तारीफ जितनी की जाए कम है, क्योंकि असम्बली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो भी मुस्लिम मसाइल को उठाते हैं उसकी हामी भरते हुए उसको अगर चार बोले तो पाँच देते, पाँच बोले तो दस देते। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ KCR साहब का, जिन्होंने ये जो गरीबों की को खरीद से जाना और गरीबों को किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को एक स्कीम के जरिए आपके सामने पेश करना। तो मैं इसके अलावा भी मसाइल को लेके जाती है फंड फंड्स रेसिंग के बाबा धंधो या और भूखो से भी मसाइल धंधो उन हामी बढ़ते हुए हमें हाँ मिलाते हुए उसको ग्रहण करते हुए उसकी उसको चीज़ को हुकुल करते हुए तो हमारी हामी बढ़ते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में बहुत सारे आएंगे, क्योंकि बरसात के महीनों में बाहर आते हैं इलेक्शन से पहले, अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि ग्राउंड लेवल पे आपको आपको नीचे से उठाने के लिए कैसे कैसे स्कीमत आए वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना आने वाला जो भी कार्यक्रम है, जैसा कि 2014 से हम देखते आ रहे हैं आप बहुत दूरंदेशी से दानिशमंदी से अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में भी आप अपना वोट सही तरीके से सही कैंडिडेटों के हक में कीजिए और नंबर की तरक्की के लिए और भी हमें हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। यहाँ पर और एक बात, जो इसका जो हम लोग शादी मुबारक में चेक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उससे कुछ लोगों का चेक बाउंस हुआ तो हाँ उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह उसका भी हम जल्द से जल्द, क्योंकि और अदर सेम बैंक रहता है तो सेम बैंक में क्लियरेंस सेम पे होता है, दूसरे बैंक रहने की वजह से एक दो दिन आगे पीछे हुआ था, लेकिन आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने एरिया कारपोरेटर के पास आपका चेक और आपका अप्लीकेशन आईडी दीजिए, यकीनन हम आपका वो मसला जल्द से जल्द खत्म करेंगे। मैं ऐसे आपको जो 1 लाख रुपये का तोहफा ड्रोन बोल के हमारे आपको दे रहे हैं, मैं आपको मेरी तरफ से KCR पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये तोहफा आपके लिए लोन के तौर पर दिया जा रहा है, लेकिन इसकी वापसी नहीं है, इसलिए कि PM साहब जो आपको अपने बिजनेस डेवलप करने के लिए ये पैसे दे रहे हैं 1 लाख रुपये, मैं CM साहब का और हमारे हाफिज अजीज खायद MLA बीगाला गणेश गुप्ता साहब का और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इशाक साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद भी जो है सो प्लाट के तौर पर जो ओपन प्लाट है लेडीज के नाम पे उनको भी 3-3 लाख रुपये से CM साहब के तरफ से लोन के तौर पर दिया जा रहा है, लेकिन उसकी भी वापसी नहीं है, वो भी तोहफे के तौर पर दिए जा रहे हैं। मैं CM साहब का फिर एक बार तोहफे के तौर पर जो दिया जा रहा है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ नहीं कुछ सर, इसके बाद माशाल्लाह नवीन भाई इतना क्लियर होते हैं सबको, मेरे निजामाबाद के अरबन MLA साहब 20,000 के लिए क्यों, क्योंकि 1 लाख रुपए बिल्कुल 100% सब्सिडी से उनको इमदाद के तौर पे दिया जाए, ये हमारी CM साहब की सोच है। तो आप देख रहे हैं कि हुकूमत तेलंगाना जब से अलग हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहब हमारे KCR साहब बने हैं, कि खासकर हमारे कौम के जो है जो ख्वातीन हैं उनको किस तरह से पर्दे में रखा आप देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको। शादी मुबारक एक स्कीम कांग्रेस ने भी शुरू की थी, जो दूल्हा दुल्हन को जो है एक ऑफिस में बुलाकर जो है आमने सामने बिठा के 25,000 का जो है टीम जो स्टील का मटेरियल होता है ना वो देते थे ना,
तो शायद निजामाबाद भी एक 10-15 शादियां ऐसे हुई। तो उनका टारगेट क्या था, साल में 250 शादियां 300 शादियां करने का था, जो हमारे कौम के लोगों को बेच भी करके जो है बाहर लाके जो है सरेआम जो है लोगों को बिठाया करते थे। केसिया साहब ने क्या किया, ये मुसलमान खवातीन जो है बाहर नहीं निकलते, गोशा पर्दा में रहते, उनको गोशा पर्दा में ही रख के शादी मुबारक जैसी स्कीम शुरू करके पहली शुरुआत जो है 50,100 से शुरुआत की, ये डायरेक्ट दुल्हन के अकाउंट में डालने के लिए। उसके बाद जैसा कमी महसूस की उसको 1,116 रुपये किए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से हुकूमत आपके आपको जो है किस तरह से इज्जत करती है, आपके आपके सोच को किस तरह से कदर करती है। आप देखिए एक बार पिछले हुकुमरान ने 50 से 60 साल में हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं लाए, आज जो हुकूमत केसीआर साहब कर रहे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम बच्चियां अगर कहीं तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो सिर्फ तेलंगाना में हासिल कर रहे हैं, जहां पे तेलंगाना में 60 से 65 हज़ार मुस्लिम बच्चियां टेम्बिस इदारे में पढ़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में बोल रहा हूं मैं आपको, पूरे हिंदुस्तान में टेम्बिस इदारे नहीं है, और टेम्बिस इदारे हमारे तेलंगाना में है। पिछले हुक्मरान ने जो है कोई ऐसे इदारे नहीं खोले, कोई ऐसे स्कीम नहीं लाए। आज आप देखिए 1 लाख की मदद भी करना बहुत बड़ी बात है। आज हुकूमत आपको ये मौका दे रही है, आप छोटे मोटे कारोबार करने के लिए आपके इमदाद के तौर पर दे रही है, 100% माफ है वो। आप 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है, अगर 1 रुपया भी अगर आपको कोई पूछ रहा है, अगर मैं लोन दिलाता हूं बोल के बोला है, उसको पुलिस कंप्लेंट कीजिए, MLA साहब के पास भी कंप्लेंट कीजिए, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। जिस तरह से शादी मुबारक में ट्रांसमिट काम करता है उसी तरह में इसी तरह ये भी काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ हुकूमत ये चाहती है जो इमदाद हुकूमत से मिले वो डायरेक्ट आपको मिले, कोई बीच में ब्रोकर होना नहीं चाहिए उसके लिए। तो ये स्कीम जो है आप तक जो खासकर इसमें रिजर्वेशन भी रखा गया है खवातीन के लिए, जो खवातीन हैं वे बाहर नहीं जा सकते हैं, अगर अपने घर में अगर एक सामने का छोटा सा एक दीवान खाना समझिए, छोटा रूम रहा, आप एक किराना शॉप लगा लीजिए, आप छोटा मोटा उसको एक ब्यूटी पार्लर लगा लीजिए, छोटा मोटा कुछ लेडीज खाना लगा लीजिए, ऐसे कई चीज़ों में हुकूमत आपको जो है 1 लाख की इमदाद कर रही है। ये हुकूमत की हमारी सोच है। देखिए आपके बच्चों को पढ़ाने टेम्बरी इदारे खोले, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको इदारे खोल रहे हैं, शादी मुबारक स्कीम दे रहे हैं, बैरिन ममालिक में जाने के लिए आपको 20 लाख रुपए की इमदाद, यानी कि आप बाहर जाके पढ़ रहे हैं तो पूरी हुकूमत का खर्चा है 20 लाख रुपए। वो सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो पिछले हुकुमरान ने क्यों नहीं किए भाई, जबकि हमारे और तो जो है हमेशा जो है कांग्रेस को जाते थे सेक्युलरिज्म के नाम पे। आप सेक्युलरिज्म के जब नाम पे वोट हासिल किए तो आप काम क्यों नहीं किए। आज जो है केसीआर साहब कर रहे हैं तो हम भी देते बोल रहे हैं, अरे भाई केसीआर साहब हम दे रहे हैं, ऑलरेडी जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों की शादी कर रहे हैं, तो हम दूसरों की हुकूमत बनाने की जरूरत है क्या, नहीं है ना जरूरत। जो शख्स हमारे साथ 10 साल से ईमानदारी से काम कर रहे हैं हमको दूसरे की क्या जरूरत है। जो आदमी 50 साल से हम देख रहे हैं वो नहीं करा, उन अब आके बोल रहा हम करते बोले तो करने की उनको भरोसा करने की नहीं है। ये जो कांग्रेस पार्टी है डोगली पार्टी है, डोगलापन करने वाली पार्टी है, सिर्फ वोट हासिल करती है, कोई काम ऐसा नहीं करती है। और रही बात, मैं आपके मुकामी MP जो है यहाँ पे उन्होंने बोल रहे थे कि जो माइनॉरिटीज को जो बजट आ रहा है पूरा सेंट्रल को आ रहा, सेंट्रल का बजट आ रहा है, तुमको शर्म होना चाहिए बोलने के लिए। पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम पॉपुलेशन 25 करोड़ है, आपका बजट है 3,200 करोड़। कितना, 3,200 करोड़। लास्ट ईयर का बजट था 4,500 करोड़, इस बार जो है 1,300 करोड़ उल्टा कम कर दिया हमको। फिर बोल रहे शर्म तुमको आना चाहिए कि ये तेलंगाना का जो हुकूमत का बजट है वो उनका बजट है कहते। ये बेकार के बातें करके जो है, ये मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आपके ये कैसा पब्लिक वोट डाले हमको तो मालूम नहीं, लेकिन वो MP नहीं है, वो चबूतरे बैठने वाला चबूतरा गैंग वाला आदमी है, उसका लैंग्वेज देखे बात कर, अरे तुरे कैसा बात करता, किसी बड़ों से बात करने का लहजा होना चाहिए। आप सियासत में पार्लियामेंट मेंबर है, आप जो है अरे उन्हें ऐसा कर रहा, वो चबूतरा गैंग बोलते हैं हैदराबाद में खासकर, चबूतरा गैंग बैठने वाली शख्सियत बात कर सके बात कर रहा। आप जो है हमको हमारे खवातीन को जो है 1 लाख रुपए दे रहे भी तो खुश है वो, आप जो है दूसरों से कंपेयर करके जो भड़काना चाह रहे हैं वो हमारे कौम में भड़कने वाले नहीं है, हमारे पास अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं। अगर एक वक्त की अगर एक रोटी भी मिली तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमको अल्लाह ताला ने जो है हमको जो है एक रोटी दी,
तो लिहाजा जो है 1 लाख रुपए भी हमको मिल रहे, तो हम बहुत खुश हैं। हमको जो है दूसरों के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। रही बात निजामाबाद में, देखिए आप पूरे तेलंगाना में अगर हैदराबाद के बाद अगर कई टेम्बरी सितारे हैं, 7 टेम्बरी सितारे हैं, तो वो निजामाबाद में है। वो MLA साहब की मेहनत के तरफ से आपके पास आया है। सारे तेलंगाना को है निजाम सरकार के नाम से जानते हैं, निजामाबाद के सरकार यहाँ पे है हमारे निजाम सरकार। तो मैं निजाम सरकार का हमारे खास से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप चाहते हैं कि मुसलमानों में जो गुर्बत दूर है वो गुर्बत दूर करने के लिए उनके बच्चों को पढ़ाने की जो सोच CM साहब रखे हैं, वही सोच आपके MLA साहब भी रख रहे हैं कि आपके गरीब आपको गुर्बत को दूर करने के लिए आपको बच्चों को पढ़ाना बोल के वो सोच के जो है आपके बाप 7 स्कूल लेके आए। 7 स्कूल यानी कि करीब 2500 से 3000 बच्चे बच्चियां आपके निजामाबाद में पढ़ रहे हैं मुसलमान बच्चियां। एक बच्चे के पीछे 1,20,000 खर्च हो रहे हैं। आप अंदाजा लगा लिए 3,000 लोग कितने खर्च होते हैं। तो आप एक बार सोचना चाहिए, जो हुकूमत आपके लिए काम कर रही है, जो MLA आपके लिए काम कर रहा है, जो देखो इससे पहले भी कांग्रेस के लिए जो बहुत से लोग बोले, लेकिन कांग्रेस के दौर में एक स्कीम ऐसा बताएं जो हमारे गरीब मां बहन को मदद मिल सके या हमारे बच्चे पढ़ सके, एक स्कीम बताओ, मैं चैलेंज करो। ये 9 साल में कैसे, 9 साल तो हम बोल रहे हैं, 2 साल तो कोरोना में चले गए, सिर्फ हमारी हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ 7 साल की है। ये 7 साल में आपके तरक्की के लिए 10,000 करोड़ KCR साहब ने किया, कितना 10,000 करोड़। 50 साल 7 साल के दौरे हुकूमत कांग्रेस में 5,000 करोड़ खर्च नहीं करे, वो लोग पूरे 50 साल में 5,000 करोड़ खर्च नहीं करे। KCR साहब जो है सिर्फ 9 साल में आपके पास 10,000 करोड़ खर्च करे। कहां पे खर्च करे? आपके बच्ची की शादी के लिए, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपकी बच्ची बच्चा अगर अमेरिका लंदन जा रहे हैं तो 20 लाख रुपए के हिसाब से 3000 लोगों को अब तक हुकूमत दे चुकी है। और आप देख लीजिए, जैसा मैं मिसाल देता हूं, हमारे पूरे तेलंगाना में जो सीनियर सिटीजन पेंशन है, आसरा पेंशन, आज पूरे तेलंगाना में मुसलमान लोगों को 4 लाख लोगों को पेंशन दिया जा रहा है। कितने? 4 लाख लोगों को पेंशन दिया जा रहा है। ये हमारे हुकूमत की कारकर्दगी है। निजामाबाद जब आता हूं मैं, देखता हूं कि निजामाबाद के जो रोड्स हैं, और आपके पास एक बहुत बड़ी बात है, आपके पास IT हब बन गया। जो निजामाबाद के नौजवान पढ़े लिखे हैं, आप हाईटेक सिटी जाने की जरूरत नहीं है, निजामाबाद में हाईटेक सिटी बना दिया हमारे MLA साहब। ये MLA साहब की कारकर्दगी है। क्योंकि MLA साहब ये चाहते हैं आपके, जो नौजवान, जो मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, जो पढ़ लिखता है निजामाबाद में, वो निजामाबाद में ही नौकरी करना चाहिए, हैदराबाद में जाना नहीं चाहिए। हैदराबाद को लाके निजामाबाद में बसाने वाली शख्सियत हमारे जो है गणेश गुप्ता साहब है। मैं ये बताना चाहता हूं, आप देख लीजिए जहां पे स्कूल की बिल्डिंग, आप बहुत समय पढ़ू जो है पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब के पास गया था, जो टेम्ब्रिज की बिल्डिंग है, प्राइवेट जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज है वैसी बिल्डिंग भी नहीं है। आज आपके MLA साहब भी 100 करोड़ से जो है 5 बिल्डिंग एक ही जगह बच्चों को पढ़ाने के, जो स्कूल की बिल्डिंग 100 करोड़ में बना रहे हैं, ये पिछले हुकुमरान ने 50 लाख भी नहीं खर्च कर लिया हमारे पर। आज आपके MLA साहब 100 करोड़ लाके आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नई ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जो जिंदगी भर कायम रहेगी। वो बच्चियों से पढ़ के जो है कोई IAS बनेगी, कोई IPS बनेगी, कुछ और बनेगी। ये हमारे MLA की कारकर्दगी है। वो स्कूल बिल्डिंग बनाने के बाद, उसको रोड नहीं है बोलने के बाद, आज कम से कम शुरुआत की 1 करोड़ से, आज 2 करोड़ तक पहुंच गए वो रोड हासिल करने के लिए। आपके स्कूल की, आपके बच्ची जाने के लिए 2 करोड़ की रोड MLA साहब ने सैंक्शन करवा दिया, काम भी चल रहा है खत्म होने पे। ये कारकर्दगी है। तो मैं बोलना ये चाहता हूं, जो हुक्मरान 50 साल में नहीं किए वो हमारे MLA साहब सिर्फ 5 साल 8 साल के दौर में कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं, 9 साल 10 साल के दौर में 2 साल तो कोरोना में चले गए, सिर्फ 8 साल के 7 साल के दौर में इतने काम हुए। अगर यही हुकूमत को, यही MLA साहब को और 15 साल अगर आप मौका देते हैं तो सोचो आपकी तरक्की किस तरह जाएगी, आप किस तरह से अपनी सेफ्टी हिफाजत महसूस करते हैं। तो मेरी माँ और बहनों से मैं बोलना चाहता हूं, जो हुकूमत, जो चीफ मिनिस्टर आपके अच्छे के लिए, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके गुर्बत को दूर करने के लिए काम करता है, वैसी हुकूमत का साथ देना चाहिए, या 50 साल से हम कुछ नहीं करे हम आगे करते बोलने वालों को मौका देना चाहिए। ये आप लोग सोचना चाहिए कि हम भी जो है उस कौम के हैं लोग, कि अगर हमको कोई अगर प्यास लगी 1 गिलास पानी पिलाए तो उसके एहसान मानते हैं हम लोग। लेकिन KCR साहब आज जो है
हजारों करोड़ आपके बच्चों के, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके बच्चों की शादी के लिए, आपकी हिफाजत के लिए दुनिया का काम कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी को जो है हम मौका देना चाहिए, आने वाले दौर में 10 साल मौका देना चाहिए। जो निजामाबाद के एमएलए साहब हैं, सेकुलर कायद हैं, मैंने उनके बारे में बहुत बाहर सुनता हूँ कि वो हमेशा आवाम में रहते हैं, आवाम के लिए जो भी काम पड़ता है वो काम करने के लिए आगे आते हैं। उनको हैदराबाद से ज्यादा निजामाबाद में रहना बहुत ज्यादा पसंद है। बाद में वो जो भी हो सकता है, अभी जो है मैंने जो है लोन का जो 258 जो है निजामाबाद को आए, उसके बाद 120 है, तो एमएलए साहब बोले कि 120 से मेरे पास होने वाला नहीं है, मेरे बहुत तकलीफ, मेरे यहाँ पे मुसलमान बहनों को जो है और भाइयों को जो है कम से कम और एक 200 होना, बल्कि मेरे कम से कम 15 दिन से मेरे को रोज फोन करके सुबह में फोन उनका ही चाहता, क्या हुआ चेयरमैन साहब मेरे कितने दे रहे निजामाबाद को, अरे साहब ऑलरेडी उनके आगे सब 400 तो गए, नहीं मेरे पास बहुत लोग हैं, आप मेरे कम से कम और एक 100-150 तो बढ़ के देना ही देना है, नहीं तो मैं वो भी नहीं बांटता। नहीं साहब पहले तो ये बांट दो आप एमएलए साहब, वो 120 आ रहे ना साहब, उसमें और थोड़ा ऐड कर ले कि आपको जितना आप सोच रहे हैं इंशाल्लाह, आप भी जो है अपने बहन जो मैं चाहता हूँ वो भी वो चाह रहे हैं कि मेरी कोई बहन या भाई कोई छोटा मोटा कारोबार करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, वो चाह रहे हैं, मैं भी वो चाह रहा हूँ। तो उनकी बात पे मैं आपको वादा कर रहा हूँ, लोन्स में भी जो है वो जितना भी पूछ रहे उतना हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने के लिए। और रही बात स्विंग मशीन, जो गरीब खवातीन अगर जिनको लोन नहीं मिला उनको जो है, वैसे लोग जो है गरीब खवातीन को जो अपने घर में बैठ कर एक स्विंग मशीन हासिल करके जो महले में जो है जो टेलरिंग करके स्टिचिंग करके जो गुजारा करना चाहते हैं वैसे लोगों को भी जो है हम स्विंग मशीन दे रहे हैं। निजामाबाद को 200 मशीन आए थे, तो एमएलए साहब बोले अरे क्या है भाई आप जो लोनों में भी मेरे को कम कर दिए, मेरे कम से कम 400 से 500 मशीन होना है, मेरे पास बहुत से गरीब बहना है मुझे बोले। तो मैं बोला साहब 200 तो ज़्यादा है, दूसरे लोगों को भी देने का है। नहीं वो कम से कम आप यकीन मानते हैं आपको एक एक मशीन देने के लिए वो कम से कम एक 20 से 25 मरतबा मेरे को फ़ोन करें, मेरे का और 200 मशीन होना और 200 मशीन होना बोले। तो बोलने का मतलब ये है आपको मालूम नहीं होता आपके एमएलए आपके लिए कितना फिक्रमंद है, आपके लिए क्या क्या वो हासिल करना चाहता है, ये आप तक नहीं पहुंचता। देने के बाद मालूम होता है एमएलए साहब मेरे को दिए, वो देने में जो लाने की मेहनत करनी पड़ती है ना वो एमएलए साहब को मालूम है कितनी मेहनत करना पड़ता है। एक एमएलए होके एक मैं तो छोटा सा चेयरमैन हूँ, मेरे को जो है कम से कम एक 25 मरतबा उन्होंने खाली मशीनों के लिए फ़ोन किए, एक कम से कम 20 मरतबा लोनों के लिए फ़ोन किए, क्योंकि वो निजामाबाद में ये चाहते हैं कि यहाँ पर जितने मुस्लिम भाई और बहन हैं जितनों को मैं मदद कर सकूं मेरे लिए उतना दुआ भी मिलेगी, और जो है उनका मेरे को जो हिम्मत है जो मुसलमान यहाँ पे टीआरएस पार्टी और गणेश गुप्ता साहब के साथ है वो किसी और के साथ नहीं है, ये वो साबित करना चाहते हैं। तो ऐसे वक्त हम भी हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे शख्स को आप भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं एक ही कहना चाहता हूँ बिगाड़ा जिस गणेश गुप्ता साहब का कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, ये तय कर रहा आप, कोई कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी आने वाली नहीं है, लिहाजा जो है कांग्रेस को मैंने भी देखा है, कांग्रेस में पिछले मैं 15 साल काम कर चुका हूँ, मैं टीआरएस मैनेजर से पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस में ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जो मैं अपनी बहन को मदद कर सकूँ या कोई मेरे भाई को मदद कर सकूँ। टीआरएस में आने के बाद हम टीआरएस का कितने भी यहाँ लीडर है कम से कम घर को आते देखो बात शादी मुबारक चक हमारे कब तक नहीं आया, देखो बात सर हमारे को नहीं आए, हमारे बच्चों को एडमिशन दिलाओ, हमारी बच्ची को वहाँ पढ़ाओ, कम से कम ये 4-8 स्कीम ऐसे है कि हम गरीब खवातीन को मदद कर सके, गरीब भाइयों को मदद कर सके। ये जो पिछले हुक्मरान जो करके जो बेवकूफ़ बनाए आज केसिया साहब उनकी आंखें खोल दिए, अरे इतना कर सकते हैं मुसलमानों के वजह से हम क्यों नहीं करें, बल्कि आज वो सोच में है 50-60 साल हमारे को मौका दिए मुसलमान हम कुछ नहीं करें, केसिया साहब 8 साल में उनके बच्चों को पढ़ाने के वास्ते 200-400 स्कूल खोल दिए, और जो शादी मुबारक के तहत खाली तेलंगाना में आपके गरीब बच्चों के शादियां कितने हैं मालूम आपको, एक बार मैं जो बोल रहा हूँ आप गूगल पे मार के देखो आपके पास फोन में है तो 270,000 शादियां सिर्फ हमारे मुस्लिम बच्चों के शादियां हुई, 270,000 यानी कि करीब 2200 करोड़ खाली मुस्लिम बच्चों के शादी के लिए हमारे केसिया साहब की हुकूमत खर्च करी आपके ऊपर, ये हमारे केसिया साहब की हमारे गणेश गुप्ता साहब की कारकर्दगी है। पिछले कुमारा ने जो है पूरा साल का बजट 200 करोड़ होता था लेकिन खाली इमाम मौजूमों के लिए हम 10-20 करोड़ तो हम हर महीना उनको जो है हदिया के तौर पर दे रहे हैं, इमाम मौजूम को 20 करोड़ हर महीना 20 करोड़ इमाम और मौजूम को हदिया के तौर पर हमारी हुकूमत दे रही है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको ये हुकूमत की कारकर्दगी, ये हमारी सेक्युलर हुकूमत है, ये हमारा सेक्युलर एमएलए है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर 50 साल की इफ्लासी अगर दूर करना है तो कम से कम 25 साल तो मौका मिलना चाहिए ना हमारे को,
अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, एमएलए साहब को और 15 साल एमएलए रहना है, तो एमएलए साहब को और 15 साल, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और 15 साल मौका दीजिए। कोई मुसलमान के घर में अनपढ़ नहीं रहेगा, हर मुसलमान के घर में जो है पढ़े लिखे लोग रहेंगे, हर मुसलमान के घर में जो है अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हुकूमत की इमदाद आप तक पहुंचेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ये कैसे धोखा नहीं देते, अगर 100% आने वाले दौर में हम ये साबित करेंगे 100 में 100% मुसलमान केसीआर के साथ है, हम किसी के बातों में आने के भयकाओं में आने की जरूरत नहीं है। जो माइक के सामने पुकारता वो बकबक करने की आदत है, हमारे केसीआर साहब कभी माइक के सामने आके आप कोई नहीं पूछे कि मेरे बच्चों को पढ़ाने स्कूल खोलो, मेरी बच्ची की शादी के लिए शादी मुबारक दो, कोई नहीं पूछे। ये केसीआर साहब सोच के कि आपके लिए, इसको सोच के आप खदर करो, आप ऐसी हुकूमत की खदर करो आप। खाली जो है आके तो इलेक्शन में बोल दिया बड़े बड़े बातें करा, उसको आने भी मत दो आप। जो 10 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं वैसी हुकूमत को जो है आप खदर कीजिए। अल्लाह ताला भी ये बोलता है कि जो आपकी मदद करता है आप उसकी खदर करके आप भी उसकी मदद कीजिए। तो यही बस आपसे बोलना चाहता हूँ कि जितने लोग आज लोन्स लिए हैं आप ये मायूस नहीं होना, किसी को नहीं आया, सेकेंड फेज में आएगा, उसके बाद थर्ड फेज भी है। जितने लोग हो सकता है एमएलए साहब आपके पीछे पड़े हुए हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन पहुंचा सके और मशीन ज्यादा से ज्यादा दे सके, तो लिहाजा जो है। और एक चीज आपके एमएलए साहब आपको आप इंशाल्लाह आखिरी में बोलेंगे उसको, कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर बोल के हमने जो है बैतुल माल को जो एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, 20 लाख की लागत से सिविंग मशीन जो कम्प्लीट रेडीमेड गारमेंट होता है, यानी कि जीन्स पैंट हो, रेडीमेड शर्ट पीने के जो कम्प्लीट प्रोजेक्ट होता है वो हम बैतुल माल को सैंक्शन कर रहे हैं। वो मशीन भी आ चुके हैं, फिट हो चुके हैं, उस पर जो है गरीब औरतें पहले उसमें 1 महीना 2 महीने ट्रेनिंग लेना चाहिए, उसके बाद जो है आप ट्रेनिंग लेने के बाद बैतुल माल को जाके वो मशीन पर बैठ के वो लोग जो ऑर्डर दिलाएंगे वो ऑर्डर सी लेके आपको जो भी इनकम होता है वो घर को लेके आना है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। ये भी काम जो है 20 लाख की लागत से जो सैंक्शन हुए वो सिर्फ हैदराबाद में है, मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ, वो सिर्फ हैदराबाद में 10 चल रहे थे, फिर आप पूरे तेलंगाना में 5 सैंक्शन करे, जो एमएलए साहब आपके पीछे पड़ गए निजामाबाद को सैंक्शन करा लिए हो, वो बैतुल माल को आ चुका है कि उसमें भी जो है कम से कम 100 से 150 औरतें खवातीन उस पर अपना गुजारा कर सकते हैं वो सिलाई करके। तो ये हमारे हुकूमत के कारण है, हमारे एमएलए साहब के कारण। एमएलए साहब कोई भी स्कीम आते हैं तो सबसे पहले निजामाबाद को लाने की कोशिश करते हैं, निजामाबाद को लाके जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर भी जो है अनखरीद में जो है एमएलए साहब से टाइम लेके इनॉग्रेशन कर लेंगे हम लोग, उसमें भी जो गरीब खवातीन है आप बैतुल माल में जाके अपना नाम लिखाए ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे आप ट्रेनिंग लेके वहीं पे आपका गुजारा होगा। आपको जो है वो बैतुल माल वाले भी जो है एमएलए साहब भी बहुत से प्राइवेट स्कूल के ड्रेसेस वो बैतुल माल को ऑर्डर दिलाएंगे, बैतुल माल वाले आपसे जो स्टिचिंग करा के जो है आपकी मदद करेंगे आपके रोजमर्रा जिंदगी में। ये बस ये कहना चाहता हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत, खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो मौजूद है हमारे मेहमान, हमारे इम्तियाज भाई माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन और निजामाबाद के डिप्टी मेयर, हमारे भाई इदरीस खान जी और हमारे अलीम भाई और हमारे नवीद भाई, खुद्दूस भाई और हमारे इम्तियाज भाई, इमरान शाहजाद और हमारे सनाउल्ला और हमारा शकील भाई और हमारे सलीम मामू, रफ़ी और तमाम जो भी मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए मेरे भाई हैं और मेरे खासकर मेरे बहनों, अभी इतना लोग बात करने के बाद मेरे को सब्जेक्ट कुछ भी नहीं बचा, लेकिन कोशिश करता हूँ कुछ नया सब्जेक्ट बात करने का। मैं लिमरा गार्डन में कम से कम मैं जब से एमएलए बना तब से 100 के ऊपर से प्रोग्राम खड़े होंगे। हमारा बहनों से मिलने का मेरे को मौका जब शादी मुबारक के टाइम पे मिलता या ऐसा कोई स्कीम का डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे मिलता, जो आज 250 लोगों को 1 लाख रुपए ग्रांट दिया जा रहा है, सबको मैं सरकार की तरफ से, केसीआर साहब की तरफ से, मेरे तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये लोन नहीं है, ये ग्रांट है। लोन मतलब पैसे वापस लौटाना पड़ता है, ग्रांट मतलब वापस आपको 1 रुपए देना नहीं पड़ता है, ये फर्क है। क्यों देना चाहते सरकार 1 लाख रुपए? हर एक गरीब सोचते कि भाई हमारा जिंदगी में ये केले बेचना, साइकिल पंचर करना, यही जिंदगी चले जा रहे। अगर कोई सहारा मिलता
कोई पैसे देते, कुछ धंधा करके हम बच्चों को बड़ा कर सकते। इसीलिए केसीआर साहब ने 1 लाख रुपए का ग्रांट दे दे ताकि अपने हिसाब से आप कुछ धंधा कर सके, आप घर चला सके। और जो तेलंगाना में स्कीम जो है, जो सुनहरा तेलंगाना के लिए केसीआर साहब बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब के जैसे जो भी इंसान तेलंगाना में रहते, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे औरत हो, मर्द हो, कोई भी इंसान परेशान नहीं रहना। जब वो लोग खुशी से तेलंगाना में है तब होगा मेरा सुनहरा तेलंगाना। इसीलिए जब बच्चा तेलंगाना में पैदा होता तब से गुजरने तक अपना अपना स्कीम लगाए। उसमें मशहूर स्कीम जो है, एक औरत प्रेग्नेंट हुआ जब से हॉस्पिटल लेके जाने के लिए एम्बुलेंस, वो अच्छा खाने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर में अच्छा खाना, डिलीवरी हुआ तो 12,000 रुपये। और उसके बाद बच्चे जब घर को जाते हॉस्पिटल से, केसीआर किट के नाम से एक तोहफा, जिसमें बच्चों के लिए, माँ के लिए साड़ियाँ, कपड़े, खिलौने सब कुछ है। और उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर में खाना बच्चे बढ़ने तक खिलाया जाएगा। और जैसे निजामाबाद शहर में 7 माइनॉरिटी स्कूल है, कोई तेलंगाना में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। एक स्कूल 20 करोड़ रुपए से बनाया गया, मतलब 140 करोड़ रुपए से निजामाबाद में स्कूल बन रहा है। 2 स्कूल बन चुके हैं जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। और हर एक गरीब माँ बाप सोचते हैं कि भाई हमारे जिंदगी ऐसे चले गए, हमारे बच्चों को पढ़ाना है। जब बच्चों को लेके जाके आप स्कूल में पढ़ाना चाहते, जब उनके फीस उनके हैरान होके अपने किस्मत को छोड़ देते, क्योंकि उसकी ताकत बस नहीं होता। लेकिन केसीआर साहब ने आपके किस्मत को छोड़ने नहीं दिए। केसीआर साहब बोले आपके बच्चों को टिमरी स्कूल में डालो, उनको पढ़ने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो वहां पे पूरा टिमरी में 3,500 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे। सिर्फ शेयरी करना आपके ड्यूटी है, उसके बाद पढ़ाई के साथ किताबें, कपड़े, खाने पीना, रहने का, जूते, हर चीज आपको मुफ्त में मिलेगा। 1,20,000 रुपये एक स्टूडेंट के पीछे ये हुकूमत खर्च कर रही है। मैं जानता हूं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि 2 बज रहा है, सबको भूख भी लग रहा है। फिर बाद में आप सोचेंगे एमएलए साहब 1 लाख रुपए दिए लेकिन बहुत देर बात करके हमको परेशान कर दिए, 2-4 मिनट बात कर दूंगा। और परसों केटीआर साहब निजामाबाद आए थे, आपको मालूम है वजूफा मिल रहा है आपको। पहला 1,000 रुपए से शुरू हुआ, जब तेलंगाना नहीं आए थे तब सिर्फ 50 रुपए था, उसके बाद 200 रुपए हुआ, जो 200 रुपए से वजूफा सीधा 1,000 कर दिए, फिर 1,000 से सीधा 2,000 कर दिए, फिर 2,000 से पता नहीं अभी कितना करेगा। क्योंकि जब फिजिकली हैंडीकैप जो है उनको 3,000 से सीधा 4,000 दे दिया गया है। और जैसे शादी मुबारक है, 50,000 से शुरू हुआ, उसको 75,000 किया गया, फिर उसको 1 लाख किया गया। मेरे हाथों से 10,000 शादी मुबारक अच्छे इसी फंक्शनल से मैं देते आया हूं। परसों 1 हफ्ते पहले भी शादी मुबारक का प्रोग्राम ही यहां पे हुआ था। मेरे बहनों, आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूं, केसीआर साहब और हम गंगा जमुना तहजीब के जैसे हम काम कर रहे हैं। यहां पे हम और हमारे मैम भाई को भी मिलके साथ में काम कर रहे हैं। मेरे खुशी की बात है, परसों जब 4-5 दिन पहले मैं यहां पे कुछ वार्डों में गया, हमारे सलीम भाई, उनको सलीम मामू करके बुलाते, और हमारे मुनावर भाई, उसके डिवीजनों में मैं इनाग्रेशन के लिए गए, तो इधर 500 हमारे बहने और इधर 500 हमारे बहने खड़े होकर मेरे को फूल डालते हुए स्वागत करे, उनके शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे को महसूस हुआ हमारा भाइयों को, हमारा बहनों को कितना हमारे ऊपर भरोसा है कि ये आदमी निजामाबाद को सुधारेगा। मैं यहीं से बोला था कई बार, जब अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए निजामाबाद खुदा हुआ था, जब भी मुझे माइक का मौका मिला था मैं आपको वादा करते आया, मुझे भरोसा कीजिए। उस दिन एक बार अंडरग्राउंड ड्रेनेज बन गया, एक बार कनेक्शन बन गया, उसके बाद मोरी सूख जाएगी, आपके घर के सामने नाली सूख जाएगी,
कीड़ों मचोड़े और अपने मच्छर की परेशानी नहीं रहेगी। उससे जो बीमारी फैलता है, डेंगू होता है बारिश टाइम पे, ये नहीं रहेगा। मैं ये भी बोला था, अगर किसी को गुस्सा आता है, धूल में फिरना, अगर गली में रोड में मुश्किल होती तो किसी को गाली देने का मन करता है। मैं जिम्मेदारी पूरा उठाता हूं, वो गाली भी मुझे किसी को देना है तो मुझे दे दो बोल के बोला। लेकिन हमारे निजामबाग के आवाम इतना अच्छा है, मुझे गाली नहीं दिए। लेकिन निजामबाग जब से हमारा हिंदुस्तान को आजादी मिले, तब से निजामबाग के कॉन्स्टिट्यूएंसी जब से बने, किसी को भी उतना वोट नहीं आया जो सबसे ज्यादा मुझे जेल के दिलाए, क्योंकि मुझे भरोसा करें और भरोसा को मैं नहीं तोड़ा। परसों केटीआर साहब ने निजामबाद के दौरे के लिए आए, वो म्युनिसिपल मिनिस्टर है, वो सभी जितने भी निजाम तेलंगाना में शहर है, छोटे से लेके बड़े तक, हर जगह क्या क्या है वो जानते हैं। 8 इनॉग्रेशन किए, आधा घंटा अगर बात किया तो 15 मिनट सिर्फ मेरा तारीफ किया, शुक्रिया अदा करता हूं उनके। कैसे तारीफ किया, और जो हमारे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन निजामबाद लोगों के लिए जो बनाए, तेलंगाना में नंबर 1 है बोल के बोले। और जो मिनी टैंक बंड है वो हैदराबाद से कोई कम नहीं है, निजामबाद का बहुत अच्छा है, तेलंगाना में हैदराबाद के बाद नंबर 1 है बोले। हर चीज का तारीफ किया उन्होंने। और कुछ लोग बोले थे, और निजामबाद शहर के बारे में, सेंट्रल मीडियन हो, लाइटिंग हो, जाड़ा हो, पार्क हो, माइनॉरिटी स्कूल्स हो, रोड हो, हर चीज, हम निजामबाद के एमएलए हैं, एक सेक्युलर इंसान है, इसलिए हम गंगा जमुना तहजीब के जैसे काम करते हैं। जैसे हमारे अभी इम्तियाज भाई ने बोला है, हमारा निजामबाद में 120 चेक होना सैंक्शन करे, मैं लगातार उनको परेशान करते जा रहा हूं कि भाई इम्तियाज भाई सबके जैसे हमको मत सोचो, निजामबाद में हमारा माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमको ज्यादा से ज्यादा चेक होना, ज्यादा से ज्यादा मिशन भी होना, और मुझे वादा किए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है आपके आपके तरफ से मैं लड़ना। और परसों सेक्रेटरेट बनाए थे, बहुत लोगों को डाउट था, कोई एक आदमी, मतलब हमारे जैसे लोग सिर्फ हम पॉजिटिव बात करते, आगे वाले का नाम भी नहीं लेते हम, आगे वाले का पार्टी ये नहीं करे, वो नहीं करे, वो फलाना है, हम नहीं बोलते, हम क्या करे वही बोलते। कुछ लोग क्या करते, आगे वाले में गलतियां कहां है वो ढूंढ के कुछ फायदा होना चाहते। केसीआर साहब किसी को मौका नहीं देता है, उसमें सेक्रेटरेट में मंदिर मस्जिद और चर्च तीनों भी लाइन में एक ही दिन उन्होंने शुरू किया, इनॉग्रेशन किया परसों, और मैं खुद मस्जिद में जाके देख के आया, क्योंकि मुझे फोटोस आए थे, मुझे ऐसा लगा कि वो दुबई मस्जिद है। मैं खुद जाके देखे, इटालियन मार्बल लगा के इतना खूबसूरत बनाए। आप जब तक वो मस्जिद में जाएंगे, मेरे भाइयों से बहनों से गुजारिश है, हमारे बहनों के लिए भी अलग इंतजाम है, वहां पे छोटा मस्जिद अलग से बनाया, आप लोग जाके देख सकते, आपको दुबई में या सऊदी में है गए जैसे महसूस होता, इतना अच्छा मस्जिद केसीआर साहब ने बनवाया है। तो इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, जो शादी मुबारक है, जो वजूफा है, जो टिमरिस है, जो केसीआर किट है, इतना अच्छा नाम से हमारा स्कीम्स केसीआर साहब ने करे, और उसके बाद निजामबाद शहर सुधारने का जो मौका आप लोग मुझे दे रहे, और केसीआर साहब आए जब 100 करोड़ देखेंगे, और केटीआर साहब आए जब 60 करोड़ रुपए मुझे देखेंगे, मैं आपको दो चीजा में बोल के मैं अपना बात खत्म करता हूं। जब तक मुझे आप एमएलए रखेंगे, तब तक निजामबाद शहर में शांति रहेगा, कोई गुंडागर्दी नहीं रहेगा, यह एक वादा है। और दूसरा, तेलंगाना में हैदराबाद के बाद बड़ा शहर कौन सा है बोले तो वरंगल बोलेंगे, उसके बाद करीमनगर बोलेंगे, खम्मम बोलेंगे, फिर निजामबाद बोलेंगे। अगर यही इंक्वायरी करेंगे, हैदराबाद के बाद तेलंगाना में खूबसूरत शहर कौन सा होगा, वो निजामबाद होगा, ये मेरा वादा है आपको। और सबको मुबारकबाद देते हुए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।